15 साल की उस नाबालिग के साथ घर में घुसकर गैंग रेप किया गया था। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन बावजूद इसके वो बेचारी डरी नहीं, बल्कि अपने साथ हुई हैवानियत की गुहार लेकर थाने में पहुंच गई। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब थाने में से भी उसे भगा दिया गया। गोंडा में एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसने सीएम योगी की मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, पहले तो एक गरीब लड़की के साथ दो लड़कों ने गैंग रेप किया और फिर पुलिस ने कई दिनों तक मामला ही दर्ज नहीं किया। लेकिन जब दर्ज किया तो महज मारपीट की धाराएं लगाकर आरोपियों को खुला छोड़ दिया गया, जिसके बाद से पीड़िता इंसाफ की आस में दर दर की ठोकरें खा रही है। जी हमारे साथ बलात्कार भाई दो लोग मिलके करे ने, दीवार से नहीं चटक के गए, हमारे घर कोई नहीं रहा, खाली हमारा मम्मी रही और हम रहे। जब हमारे मम्मी बताओ चाहे तो मुन्ने जाए के चोरे चाकू लेके धमकाए लागे कहन की अगर बताए देवे तो हम तू का मार देवे जान से। जब हम थाने में यह गन्ना तो हुआ हमार को सुनवाई नहीं, बस आए दली प्रधान दबाव बनावा थे, कहते कि ये सब झूठ है, मारपीट में यह लिख के मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन हम सब नहीं माने थे, सब फालतू हमारे साथ बलात्कार हुआ है। क्या चाहती हो आपको? सर हम इंसाफ चाहते। मिशन शक्ति और महिला सम्मान के दावों की धज्जियां उड़ाता यह मामला गोंडा जिले के धानेपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की को गांव के ही अमरजीत, रेहान और मुन्नू ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित परिवार तुरंत ही मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार ने बिना कोई कार्रवाई किए ही परिवार को बहरंग लौटा दिया। पीड़िता इंसाफ की आस में थाने के चक्कर लगाती रही। थानेदार ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इसमें भी पीड़िता के साथ खेल कर दिया गया। जी हाँ, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें सामूहिक बलात्कार का कहीं जिक्र नहीं था, बल्कि मामूली मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ दिया। शायद अली प्रधान में बड़े दरोगा क्या बोले कहन के सब झूठ है, मारपीट में यह लिख के मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन हमारे साथ बलात्कार हुआ है। हमारे घर में दीवार से चटक के आए रहा पिछवाड़े से नहीं, हम इंसाफ चाहे तो हम सुलह न लगावा चाहे तो हमें खाली इंसाफ चाहे, हमारे जिंदगी बर्बाद हो गई। कहने की जाओ जाओ बे, उनका लोग का पकड़वाए थे बिटिया के साथ हमें गलत कार की। कौन कौन किए? पहले हम पहले अमरजीत हैं, उसके बाद में रेहान है और चाकू लिया मुन्नू लेकर बैठा रहे, कल बोल को तो मारते थाने पर आन, वहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं, मारपीट कर लिख कर कहीं पर एप्लीकेशन दी थे, लड़ा हो जाए मुकदमा थाना वाले कहीं कि जाओ हम कर ले जाओ तू यहाँ से वहाँ दे देवे, और बाद में यहाँ पकड़वा लेवे, पकड़वाई वहाँ से एक रात भर रह कर बिहान उन्हें चालान भेज कर वापस कर धमकी दिया था, कहा था वो तो बाल डारम काट डारम मार डारम। जिसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ सीधे आला अधिकारियों के पास पहुंची और उनसे सारी आपबीती बताई। अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ही गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसका अभियोग पंजीकृत है और पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना और बयान अंकित किए गए हैं और इसका न्यायालय में भी बयान धारा 164 के अंतर्गत CRPC के अंतर्गत कराया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर, चूँकि ये युवक इनके पड़ोसी हैं और ऐसा बताया गया था पहले कि इसमें आपस में कहा सुनी मारपीट का मामला है, बाद में जब ये बयानों के आधार पर ये बताया गया कि इस तरह की घटना हुई है तो सुसंगत धाराओं में इसको दर्ज किया गया है और इसमें पूरी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीड़िता ने जब बयान दिया है पुलिस को उसमें उसने दुराचार की बात बताई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग में वृद्धि की गई है। ऐसा कई बार देखा गया है कि थाने में पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया जाता है, अक्सर पीड़िता पुलिस के दबाव में आकर टूट जाती है और अपनी शिकायत वापस ले लेती है, लेकिन इस वारदात में ऐसा नहीं हुआ। पीड़िता पुलिस और आरोपियों से लड़ी और उसने आखिरकार गुनहगारों के खिलाफ मामला दर्ज करा ही लिया। इस पूरे मामले में जितने गुनहगार आरोपी हैं उतने ही गुनहगार वो पुलिस वाले भी, जिन्होंने वक्त रहते मुकदमा दर्ज नहीं किया।
गोंडा से न्यूज टाइम नेशन के लिए अहमद हसन की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।